हेलो रेसलिंग फैंस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे WWE विमेंस मैच के बारे में जो रेसलमेनिया 34 में होगा। आस्का फर्स्ट एवर विमेंस रॉयल रंबल मैच जीत के अपनी जगह कंफर्म कर चुकी हैं एक टाइटल मैच के लिए रेसलमेनिया में, तो वो फेस करेंगी एलेक्सा ब्लिस को जो रॉ पे WWE विमेंस चैम्पियन है, या फिर वो फेस करेंगी शार्लेट फ्लेयर को जो स्मैकडाउन लाइव पे WWE विमेंस चैम्पियन है। एलेक्सा ब्लिस फिलहाल कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट फीमेल रेसलर्स में से एक हैं। वो WWE विमेंस चैम्पियन काफ़ी टाइम से है और उनका मैच आस्का के साथ रेसलमेनिया में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। पर आपको ये बात बता दूं कि आस्का और एलेक्सा ब्लिस का मैच पहले भी रॉ में हो चुका है, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा जब वो आमना सामना करेंगी एक दूसरे का। वो मैच भी काफ़ी अच्छा था, पर रेसलमेनिया में हमें उससे और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। एलेक्सा काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं अपना, और आस्का इन रिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देती हैं। आस्का की इन रिंग परफॉर्मेंस और एलेक्सा की माइक स्किल्स मिला के काफ़ी अच्छा मैच रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये रेसलमेनिया मैच जो होगा वो ड्रीम मैच नहीं होगा जैसे कि आस्का वर्सेस शार्लेट है, पर काफ़ी अच्छा मैच होगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो है रेसलमेनिया ड्रीम मैच शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का फॉर स्मैकडाउन विमेंस चैम्पियनशिप। ये अपने आप में ही एक हाइप क्रिएट करने वाला मैच है जो रेसलमेनिया में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे सकता है। आस्का की अनडिफीटेड स्ट्रीक अगर कोई फिलहाल रोस्टर में तोड़ सकता है तो वो है शार्लेट फ्लेयर, और ये मैच काफ़ी ही अच्छा होगा अगर ये होता है इस साल। इन दोनों के बीच राइवलरी बहुत अच्छी डेवलप होगी, और दोनों जब रिंग परफॉर्मेंस की बात आती है तो एक से बढ़ के एक हैं। मैं पर्सनली ये मैच देखना चाहता हूँ क्योंकि शार्लेट फ्लेयर काफ़ी ही अच्छी फीमेल रेसलर हैं और वो आस्का के साथ एक 5-स्टार मैच पुट ऑन कर सकती हैं। क्या पता शार्लेट फ्लेयर ही पहली वीमेन बन जाए जो आस्का को हरा दें। वुमेंस डिवीजन फिलहाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है WWE का। अगर हम ड्रीम मैचेस की बात करें तो उनमें से सबसे पहला ड्रीम मैच जो WWE यूनिवर्स देखना चाहता है वो है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का। अगर ये मैच होता है तो मेरे हिसाब से ये स्टील कर सकता है मैच पूरे शो को, और सबसे बढ़िया मैच होगा, मैच ऑफ द नाइट का कंटेंडर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।